अभी कौन सा फंक्शन होने वाला है? मायरा होने वाला है, और इसके लिए अभी हम फेटा बांधने वाले हैं ऐसे। और जुमानी कैसा लगने वाला है? लगने पहली, तो बहुत अच्छा। पहली बार पहनेंगे ऐसा? अभी हम लोग मैं अपनी बुआ के घर पे, रियल बुआ जो अभी नहीं है, 10 साल पहले शी पास्ड अवे, एंड हम लोग अभी उनके घर पे आ रहे हैं। मैं इनके घर पे 11 साल बाद आ रही हूँ ऑलमोस्ट। ये बैकयार्ड है, कपड़े सुखाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, प्लांटेशन के लिए, मल्टीपर्पज। ये घर है, ये हमारे बाउसा है, और ये मेरी बुआ है, ये उनके हस्बैंड है, और ये उनका पूरा घर है। हमारी बाई मंदिर में सबसे ज़्यादा टाइम बिताती थी, और ये सब उनका घर है। काफ़ी स्टैंडर्ड घर होते हैं यहाँ पे, बहुत स्पेशियस भी होते हैं, काफ़ी बंगलो सिस्टम भी चलता है यहाँ पे। दोनों बहनें शारदा, शांति और बुल्ला भाई, तीनों बहनें हैं भाई साथ में। अभी कैसा लगा शांति भाई अपनी बहन के घर पे 11 साल बाद आके? गंगानगर की गलियों में हम पहली बार गाड़ी चला रहे हैं। फिलहाल तो जो डिफिकल्ट रोड था हमने उसमें से निकाल लिया है, लेकिन अभी आप खुला रास्ता देख सकते हैं कैसा है। और हम लोग इधर छोटी गाड़ियां ही चल सकती है क्योंकि रोड काफी नैरो है, इतनी सी गली है, लिटरली इतनी सी, तो छोटी गाड़ी ही चल सकती है उसमें। द ब्राइड एंड द ग्रूम। सुपर टायर्ड, आई डोंट नो मैंने क्या बनाया है, लेकिन जैसा भी बनाया है मैंने कोशिश की है आउट ऑफ ऑल द मेस एंड यू नो, शादी के सीज़न में इतना कुछ चल रहा होता है उसमें व्लॉग बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दिस इज द टैंक है, हाँ, पाकिस्तान से आया हुआ, पाकिस्तान से, हाँ, ये है ना टैंक जो, हाँ, युद्ध हुआ था ना 72 वाला, हाँ, उसमें जो पाकिस्तान सेना छोड़ गई थी, ये वो टैंक है। नहीं, वो ऐसे नहीं। तो देवराज भैया, ये पाकिस्तानी टैंक है कि इंडियन टैंक है? पाकिस्तानी टैंक है, पाकिस्तानी फौज जब हार गई थी तो छोड़ के भाग गई थी। ओ अच्छा अच्छा, लाइक अ सोवेनियर, देख रहे हैं तो अंदर जाके देख सकते हो, इस लाइक अ सोवेनियर। हाँ, ओ डैम, ये अंदर से है। ओ वाओ गाइज, हम वहाँ पे थे, वहाँ से ये टैंक पे मैं खड़ी हूँ अभी, और ये मेरे भाई बहन भी आ रहे हैं। देखो अंदर, पास से आपको दिखा रही हूँ, दिस इज अ रियल रियल टॉप, ये पाकिस्तान आर्मी का है। हाँ डूड, ये क्या हुआ? ये दिस इज लाइक 6 इंची का, हाँ, लेंटर जो हम घर पे छतों पे डालते हैं, हाँ। So you can see कि ये टैंक कितना भारी है कि ये पूरा का पूरा लेंटर दब गया है। दब गया, ओ डैम ब्रो, शिट, हाँ देख पूरा लेवल नहीं हो रहा है, स्लोप पे है। हे गाइस, अभी हम लोग सब न्यू ईयर में आ चुके हैं, 2022 में आ चुके हैं, लेकिन जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने गंगानगर के बारे में थोड़े फैक्ट्स पढ़े, थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ भी ये सब शेयर करना चाहिए। और मेरा आवाज़ चला गया है थोड़ा, तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो जब मैं रिसर्च कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि गंगानगर का नाम श्री गंगानगर क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी हम सिटी का नाम ले इंडिया में तो बॉम्बे, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़, सब ऐसे नाम है, किसी के पीछे जी नहीं है या आगे कोई श्री नहीं है। गंगानगर वॉज फाउंडेड बाय द महाराजा ऑफ बीकानेर, और उनका नाम श्री गंगा सिंह जी था, इसीलिए उसका नाम श्री गंगानगर हो गया। सो गंगानगर इज वेरी वेरी क्लोज टू पंजाब, इसके लिए वहां पे काफी सारे पंजाबी सेटल हुए हुए हैं गंगानगर में, एंड गंगानगर इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द पाकिस्तानी बॉर्डर। कि गंगा सिंह जी ने पूरा इरिगेशन कनाल गंगानगर में पूरा सेटअप किया था, और उसकी वजह से गंगानगर बहुत फेमस हुआ, क्योंकि वो कॉटन, बाजरा
वीट ये सब प्रोड्यूस करने लग गए थे. तो संगीत वाले डे पे वी हैड लाइक इमेंस अमाउंट ऑफ फूड, लाइक इतने सारे आइटम्स और ये सब. और शादी वाले डे पे बहुत ऐसे कम हो गया, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज की मतलब नथिंग लाइक. पॉइंट क्या हुआ, शादी वाले दिन पे गब्बू की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बहुत बढ़ गई थी. आई अग्री इतने अच्छे स्टार्टर्स थे, चलो ठीक है सुबह से भवन में कुछ भी नहीं खाएंगे, सीधा शादी में जाके खाएंगे. आई अग्री. फिर हमारे जो कजिन है वहाँ पे, उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे 21 फूड आइटम का रूल है. तो जिस दिन शादी का दिन होता है ना, वहाँ पे यू कैन ओनली हैव 21 आइटम्स, विच इंक्लूड्स फ्रॉम योर स्टार्टर्स टिल योर डेजर्ट. या एवरीथिंग एंड योर एड ऑन्स विच इज पान एंड एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. या तो तभी उन लोगों ने बताया क्योंकि डावरी और बेसिकली ऐसा होता है कि जो लड़की वाले होते हैं वो शादी वाले दिन का खर्चा देते, तो उनके ऊपर भी ज्यादा बर्डन नहीं आए, तो इसीलिए उन लोगों ने ये रूल लगाया. बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, बट इट्स अ वेरी थॉटफुल थिंग. आई मीन इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि वो टाइम से आज तक ये प्रैक्टिस हो रहा है गंगानगर में. एंड इट इज वेरी नाइस कि किसी को भी एक लड़की की शादी करवाने के लिए कोई बर्डन नहीं देना पड़ता, बिकॉज यूजुअली इन द ओल्डन डेज ऐसा बहुत होता था. अनदर क्विक थिंग इज कि जब हम गंगानगर में थे और ये शादी की बातें बहुत फेमस हो रही थी, तभी एवरी वन वॉज वॉन्टिंग गब्बू टू गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल. और एक और चीज, उसके लिए ऑलरेडी लड़के देखने स्टार्ट हो चुके हैं. गाइस दिस व्लॉग इज गोना कम अप रियली सून एंड आई एम गोना व्लॉग इट, डोंट वरी. बट मैं बोलना चाहती हूँ ये उम्मीद बन के ही रह जाएगी. दोनों भाई बहन की शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं करूंगी. आई विल बी द लास्ट पर्सन इन माई जनरेशन टू गेट मैरिड. तेरी जनरेशन नहीं, गोरा हूँ रहती फिर मैं. जैसे आप लोग ने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो यू गाइस मस्ट रिमेम्बर कि गब्बू मेरी बुआ लगती है रिश्ते में, तो जब तक बुआ की शादी नहीं होगी मेरी कैसे होगी यार. बुआ के पास बहुत एम्बिशंस है, वो जब तक गाइस इफ यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज गो लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो.